नमस्कार, सुनिए सुविचार अद्विती के साथ। आज हम करेंगे मन की बात मन के साथ। मन की शक्ति का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, यहाँ तक कि मन की शक्ति का अंदाजा लगाना असंभव सा कार्य माना जाता है। मगर आज हम अपने मन को जानेंगे, अपने मन से बातचीत करेंगे, अपने मन को समझेंगे। आज हम अपने मन से पूछेंगे कि उसे क्या चोट पहुंचाता है, उसे क्या रुलाता है, उसे क्या सुख देता है, क्या ऐसी चीज़ है जो उसे खुशी की अनुभूति कराती है। जवाब यह सारे सवाल के जवाब अपने मन से पूछ रहे होंगे, तब आपके दिमाग में वह सारी घटनाएं घूमने लगेगी जो पूर्व में घटित हुई होंगी। इन सब के बीच आपके खुशी का कारण स्पष्ट हो जाएगा। आपको यह अनुभूति होने लगेगी कि यह कारण आपके जीवन में खुशी आई, इस कारण आपके घर में खुशियों की बौछार आई, और इस कारण आप दुखी हुए, आपके आसपास दुखी वातावरण हुआ। आप इन कारणों से और इस प्रकार से अपनी सारी घटनाओं का विश्लेषण करने लगेंगे, उनके तारों को जोड़ने लगेंगे, समझने लगेंगे कि जिंदगी के किस पहलू को कैसे जीना है, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, अपनी क्षमताओं को कैसे उभारना है, अपने आप को औरों से अच्छा कैसे साबित करना है, खुद को औरों से आगे कैसे निकालना है, और खुद को सबसे बेहतर कैसे बनाना है। यह सारे बेहतरीन इंसानी घटनाओं से आपको इन सब का रास्ता मिलने लगेगा। आप खुद को आगे बढ़ता देखने लगेंगे, खुद को कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते देखने लगेंगे। आपका मन आपसे कुछ भी करा सकता है। यह सारी घटनाओं से आप यह समझ जाएंगे कि आपको खुद को आगे कैसे बढ़ाना है, खुद को कामयाबी की सीढ़ियों पर कैसे चढ़ाना है। आपका मन आपसे कुछ भी करा सकता है। अगर आपका मन चाहे तो आप पर्वत फतेह कर सकते हैं, और ना चाहे तो छत की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते। अब सवाल यह उठता है कि इस भटकते हुए असंतुलित मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। मन को नियंत्रित करने का अर्थ है खुद को नियंत्रित करना। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। जब आप मेडिटेट करेंगे तब आप खुद से बात करेंगे, आप खुद से सवाल जवाब करने लगेंगे, खुद को समझने लगेंगे, खुद को समझाने लगेंगे। जब आप ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तब आप उस परमात्मा से नज़दीक चले जाएंगे, आप अपने परमपिता परमेश्वर के करीब पहुंच जाएंगे, उसके प्यारे बच्चे बन उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलने लगेंगे, उसका हाथ पकड़ आप आगे बढ़ने लगेंगे। जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपके मन के सवालों के जवाब वह ऊपर वाला देने लगता है, वह आपको सही राह बताने लगता है, आपके मन से विजय प्राप्त करने की सीख देने लगता है, आपका सहारा बनने लगता है। वह परमात्मा आपको राह दिखा रहा होता है, और अगर आप उसकी राह पर चलेंगे तो आप स्वयं ही अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त करता है उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है।